सभी ने आकर और आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अपने दूसरे के लाया और वो भाव मुझे हमेशा प्यार और अपना हमेशा एक काम मिला है। जिस गर्मजोशी से आपने मेरा और मेरे डेलीगेशन का स्वागत किया इसके लिए उसी वर्ष मेरी यात्रा के दौरान आप स्वयं एयरपोर्ट पर मुझसे मिल जाए थे। आपने जो सम्मान दिया मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अपनेपन का कोई सबूत नहीं हो सकता। एक भाई का भाई से मिलना इतना सहज ये मेरे लिए हमेशा हमेशा हृदय को छूने वाला रहा है। मुझे आपसे हमेशा एक भाई की तरह प्यार मिला है, अपने पर का प्यार मिला है और वो मेरे व्यक्तिगत जीवन की भी बहुत बड़ी अमानत है। हर मुलाकात में मैंने भारत के प्रति आपके स्नेह और निजी प्रतिबद्धता को महसूस किया है। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से हमारे संबंधों का विस्तार उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। आपकी विजनरी और बहुत क्लियर थिंकिंग ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से भारत का हर व्यक्ति आपको एक सच्चे मित्र के रूप में देखता है। COP28 की भरसक तैयारियां आपके नेतृत्व में चल रही है। मैं आपके निमंत्रण के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं और मेरे लिए यहां आने का मैं मौका ही ढूंढता रहता हूं और ये COP20 में भी मैंने मन बना लिया है मैं बिल्कुल आपके बीच में रहूंगा और मेरे लिए जो भी अपेक्षा होगी भारत का एक कमिटमेंट है क्योंकि दुनिया में इतने बड़े संकट को हम जैसे दोस्त ज्यादा समझते हैं और इसलिए हम सब मिलकर के उसके रास्ते भी खोज सकते हैं। हमारा आर्थिक सहयोग भी निरंतर प्रगति हो रही है। पिछले वर्ष फरवरी में हमने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। हमने इस ऐतिहासिक समझौते पर मात्र 3 महीने में रिकॉर्ड समय में सहमत होते। ये आपके प्रायोरिटी और कमिटमेंट के बिना संभव ही नहीं और इसके लिए मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। इस समझौते के बाद 1 साल में हमारे द्विपक्षीय व्यापार में 20% की वृद्धि हुई। ये और हमें पहली बार $85 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया है और जल्दी ही हम $100 बिलियन का लक्ष्य भी हासिल करेंगे। और मैं तो चाहता हूं कि G20 के पहले हम एक बार इस लैंडमार्क को पार कर सकते हैं। अगर हम तय करें तो कर सकते हैं और इसे दोनों देशों के बीच निवेश के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। यूएई का भारत का यूएई का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। यूएई की कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर रिन्यूएबल एनर्जी स्टार्टअप जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बहुत बड़ी मात्रा में भारत में निवेश कर रहे हैं और मैं मानता हूं कि भारत का आज का स्टार्टअप वो कल का यूनिकॉर्न है उसकी गारंटी। अरे पर यूनिकॉर्न बना तो देश दुनिया की इकोनॉमी को टेक्नोलॉजी की दुनिया में नए तरीके से लीड करने वाला है और उसमें आपका सहयोग एक बहुत बड़ा मजबूत फाउंडेशन तैयार कर रहा है। ADI के द्वारा गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना ऑफिस बनाने के लिए
हमने हमारे बजट में विशेष प्रावधान रखा है। हम डीप सिटी में डाटा एमबेसी खोलने के आपके प्रस्ताव का भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और यह लगता है कि डिजिटल एमबेसी डेटा एमबेसी अपने आप में एक पाथ ब्रेकिंग व्यवस्था विकसित होगी। वर्तमान समय की जरूरतों के अनुसार हम अपना सहयोग और मजबूत करने के लिए नए इनिशिएटिव ले रहे हैं।